फैमिली राधे राधे, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। तो आज मैं करने वाली अपनी प्यारी सी मम्मा का मेकओवर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लेके आ गई अपना छोटा सा पिटारा, जिसने रखा था कुछ सामान, और मेरे पास यहाँ पे वाइप्स नहीं थी, तो इसलिए मैंने मम्मी का फेस ऐसे ही साफ कर दिया, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, तो मैं कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ। तो फिर मैंने मम्मी के मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाया फेस पे रगड़ रगड़ के, और ये वीडियो बनाते हुए हमें इतनी हंसी आ रही थी, हमने ऐसे कंट्रोल करके रखा हुआ था। तो फिर मैंने ली यहाँ पे लैक्मे की सीसी कॉम्प्लेक्स क्रीम, तो फिर मैं मम्मी के यहाँ पे लगा रही थी डैब 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 करके, उसे लगाते हुए भी मुझे हंसी आ रही थी और मम्मी अपने फेस को देख के कुछ ऐसा रिएक्ट कर रही थी। और इस वीडियो को बनाते हुए हमें इतनी ज़्यादा ही हंसी आ रही थी। और जो ये मैं मम्मी के फाउंडेशन लगा रही हूँ, ये मेरे स्किन टोन का था, जो मम्मी के स्किन पे बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा था, तो इसे बैठाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो मैंने मम्मी का फेस इतने ज़ोर ज़ोर से रगड़ दिया था कि मम्मी को बिल्कुल आफत ही आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मम्मी के फेस पे एक बार ब्लश लगा के ट्राई किया जाए और हाइलाइटर वगैरह से देख लिया जाए। फिर मैंने ब्रश वगैरह निकाले और ये कलर पैलेट निकाला अपना, तो मैं मम्मी के यहाँ पे ब्लश लगाने लग गई थी, और फिर ब्लश के साथ साथ मैंने हाइलाइटर भी यूज़ कर दिया। मुझे आता तो नहीं था कि कहाँ पे यूज़ करते, लेकिन मैं फिर भी लगाई जा रही थी। फिर बारी आई मम्मी के आईज़ मेकअप की, तो मैं मम्मी के यहाँ पे आईज़ मेकअप कर रही थी, और मेरी मम्मी की आँखें ऐसी हैं कि आँखें खोलते ही वो कुछ भी मेकअप दिख नहीं रहा था। और फिर मैं मम्मी को बताने लगी कि आपका आई मेकअप दिख नहीं रहा है, तो मम्मी खुद ही चेक करने लग गई कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मम्मी के आईज़ पे लाइनर लगाना स्टार्ट किया, जो कि बहुत टफ़ काम है, क्योंकि मुझे दूसरों का आई लाइनर लगाना बिल्कुल भी नहीं आता है। एक आँख में अलग और एक आँख में अलग ही लगने लग जाता है। आई मेकअप भी हो गया था कंप्लीट। अब बारी आई लिपस्टिक लगाने की, वो भी मुझे लगानी नहीं आती थी, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ करके मम्मी के जल्दी से लिपस्टिक लगा दी। और फिर उसके बाद बारी आई औरतों का श्रृंगार बिंदी, जो कि बहुत प्यारी लगती है। फिर बारी आई मम्मी के थोड़ा सा हेयर स्टाइल करने की। फेस पे सारा मेकअप करने के बाद अब मम्मी का मेकअप ऐसा लग रहा है कि स्किन टोन पे बैठ गया है। तो फिर मैंने जल्दी से बनाई यहाँ पे मम्मी की कुछ हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल के मामले में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मुझे अलग अलग हेयर स्टाइल बनानी आती है, ये मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ। बस मेकअप के मामले में मैं बहुत कच्ची हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे मम्मी के हेयर स्टाइल बना के तैयार कर दी, और मैं अपना दूसरा मेकअप का पिटारा लेके आ गई, जिसमें गजरा वजरा रखा हुआ था। फिर उसके बाद मम्मी के जो ये साइड से जो पूंछ जैसी निकाली हुई थी, उसके लिए मैं रोलर लेके आ गई थी। फिर मैंने रोलर से मम्मी के बाल रोल किए, और मम्मी बिल्कुल अप्सरा ही लग रही है यहाँ पर, और मम्मी इतना डर रही थी कि मुझे जला मत देना करके। और फाइनली मम्मी के ये कर्ल हो चुके थे। और मेकअप किया हो और पहाड़ी ज्वेलरी ना डाली हो तो फिर कहाँ ही सुंदरता नज़र आती है। तो उसके बाद मैं मम्मी को पहाड़ी ज्वेलरी से तैयार करने लगी, और मैं ग्लोबन डालना भूल गई थी पहले, जो कि बहुत मुश्किल से डाला हमने। और फिर मम्मी को फटाफट से ज्वेलरी वगैरह पहनाई, और मम्मी की नथ बार बार गिर जा रही थी, क्योंकि ये फुल्ली के ऊपर ही अटकाई हुई थी। इयररिंग वगैरह भी इयररिंग के बाहर से ही डाल के अटकाए ऐसी, क्योंकि खाली फ़ोटोशूट करना था। और मम्मी पहनने वाली थी ये लहंगा, जो कि बहुत हैवी था, ये मेरी दीदी का था, और मम्मी का फाइनल लुक कुछ इस तरह से था। तो आप लोग कॉमेंट करके बताना कि मेरा सस्ता मेकअप आप लोगों को कैसा लगा, और मेरी मम्मी कैसी लग रही है। तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरे सस्ते मेकअप को 10 में से कितने मार्क्स देना पसंद करेंगे। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक आप देखिए मम्मी का फुल लुक। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पहुँचा दीजिए किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तक। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।